नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। अगर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो वहाँ पे भी आपने यहाँ से बनते हुए क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मूल कर्तव्य क्या, मूल कर्तव्य जो था हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या देखिए मूल कर्तव्य जो था हमारे मूल संविधान में नहीं था। जब देखिए हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारा मूल कर्तव्य उसमें नहीं था। मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। क्या मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। देखिए पहले किस देश से लिया गया, पहले समझिए कि देखिए यह किस देश से लिया गया। देखिए रूस। क्या रूस, कंफ्यूज मत होएगा, पूर्व सोवियत संघ। देखिए रूस के संविधान से, देखिए रूस के संविधान से लिया गया। क्या मूल कर्तव्य जो था हमारा रूस के संविधान से लिया गया। देखिए इसका उल्लेख किस भाग में मिलता है, देखिए ये तो मन में भी आ रहा होगा। देखिए किस भाग में मिलता है, देखिए भाग देखिए फोर, देखिए फोर ए, क्या चार क में, देखिए चार भाग चार क में किसका मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। यहीं पे अगर अनुच्छेद पूछेगा तो देखिए अगर यहीं पे अनुच्छेद अगर पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 51 क में, देखिए अनुच्छेद अगर हमारा पूछेगा तो 51 क में इसका उल्लेख मिलता है। अगर यही पे आपको भाग में पूछेगा तो 4 क में, ठीक है फ्रेंड। और देखिए यह किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, देखिए भी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे उस समय, देखिए सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पे देखिए 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिए थे। क्या देखिए 8 मूल कर्तव्य का सुझाव ये लाए थे, कौन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन देखिए 42वें संविधान संशोधन, देखिए संशोधन, देखिए अच्छे तरीके समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 इन्हीं के समिति पे, देखिए सरदार स्वर्ण समिति कितना 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए फ्रेंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मूल कर्तव्य होता है तो किस पे लागू होता है, केवल नागरिक पे लागू होता है। क्या जो हमारा मूल कर्तव्य है केवल, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, केवल नागरिक पर ही लागू होता है। देखिए जो हमारा मूल कर्तव्य है केवल नागरिक पर ही लागू होता है। यहां पे देखें कि देखिए ये पहले कितने सुझाव लेके थे, 8 लेके आए थे। लेकिन देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारा कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अगर यही पूछे वर्तमान में हमारा, देखिए वर्तमान में हमारा 11 मूल कर्तव्य, कितने हैं 11 मूल कर्तव्य, देख रहे हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारा 11 मूल कर्तव्य। देखिए एक कौन सा जोड़ा गया जो हमेशा एग्जाम में ज्यादा पूछता है, देखिए 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002, देखिए सन भी याद कीजिएगा, संशोधन भी याद, इसमें से कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रहना चाहिए कि इसमें क्या आपको टोटल चीज याद रहेगा, तो कुछ भी घुमा के पूछे आप तुरंत उसको कर लेंगे। तो देखिए 86वें संविधान संशोधन देखिए 2002 में कौन सा मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया, 11वां। तो देखिए 11वां क्या था, 11वां क्या था, देखिए माता पिता या संरक्षण के, क्या देखिए माता पिता,
बता दे रहे हैं कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, क्या प्राथमिक शिक्षा उनको देना, क्या माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना कितना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, देखिए बस ज्यादा यही देखिए जो हमारा लास्ट वाला जो 11वां हमारा जो 11वां जोड़ा गया था मूल कर्तव्य यही ज्यादा देखिए 86वें संविधान संशोधन क्या 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है पेंट। और देखिए वही जो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, और कुछ ज्यादा नहीं देखिए ये तो ज्यादा कि वो कभी कभी तो पूछ देता है कि सदस्य समिति जो उनका जो मूल कर्तव्य मतलब कितने मूल कर्तव्य का सुझाव दिए थे, तो देखिए 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिए थे, लेकिन हमारा जोड़ा गया कितना देखिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, बस इतना समझ लेंगे तो मूल कर्तव्य समझ ले आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।